हेलो एवरीवन, तो एनटीए ने अपना बुलेटिन रिलीज़ कर दिया है जिसमें क्या क्या चेंजेस आए हैं। बहुत कुछ माइनर चेंजेस हैं जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। ये बुलेटिन है जिसमें सीयूईटी ने अपना पीजी के लिए, जो पीजी अप्लाई करने वाले हैं फॉर्म फिलअप के लिए 2023 के लिए, उसमें कुछ कुछ चेंजेस आए हैं जो मैं बता देता हूँ आप लोगों को। मे बी इट विल बी हेल्पफुल। तो ये पीडीएफ है, नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा पीडीएफ। तो कुछ कुछ बता देता हूँ जो चेंजेस में हैं। लाइक दिस द फी स्ट्रक्चर, पहले के फ़ी में कुछ कुछ फ़ी बढ़ा हुआ है। तो लाइक दिस, इस बार का फ़ी जो जनरल वाले हैं, जनरल वालों को 1000 रुपीज़ देना पड़ेगा, एंड जो लोग ओबीसी वाले हैं उनके लिए 800, एंड जो लोग एसटीएससी हैं उनके लिए 750 रुपीज़, और ये पीडब्ल्यूडी के लिए 700 रुपीज़। तो ये था एप्लीकेशन फ़ी है जिसमें टेस्ट पेपर आप लोग एक फीस में तीन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अगर तीन से ज़्यादा अगर करते हैं तो आप लोगों को एक्स्ट्रा या 500 रुपीज़ एंड अदर्स के लिए 400 रुपीज़ देना पड़ेगा। तो ये फ़ी स्ट्रक्चर है जो इस बार थोड़ा बढ़ गया है। एंड ऑल्सो समथिंग एज चेंजेस जो मैं नीचे दिखाना चाहूँगा। नीचे अगर आप आते हैं, वेट स्कूल बंचिंग लिस्ट ऑफ क्वेश्चन पेपर का, जो पेपर का जो कोड होता है, इस बार पेपर कोड चेंज हुआ है। पहले पेपर कोड क्या था हम लोग का, जो पेपर कोड हुआ करता था वो क्या था, वो था PGQP40, ये हुआ करता था पेपर कोड पहले, लेकिन इट वॉज चेंज नाउ। अभी आप पेपर कोड यहाँ देख पा रहे हैं, LLB का, यू कैन सी हेयर, कहाँ गया LLB, ये रहा LLB, ये रहा LLB कोड, LLB जिसका कोड आप देख पा रहे हैं चेंज हो गया इस बार। सो आप लोग जब भी फॉर्म फिलअप करेंगे तो ये कोड को ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये कोड फॉर्म फिलअप के टाइम में आप लोगों को बहुत हेल्पफुल होगा। यही कोड डालना है, दूसरा कोड मत डाल देना। तो ये सारे चेंजेस हुए हैं, जैसे कि अदर सब्जेक्ट ऑल्सो, जो लोग लैंग्वेज में जाना चाहते हैं उनके लिए, जैसे कि अगर कोई इंग्लिश में जाना चाहेगा तो उसके लिए ये कोड इस्तेमाल होगा। एंड ऑल्सो द अदर सब्जेक्ट हु आर गोइंग लाइक साइंस का अगर देखें तो, जैसे कि कोई बायोकेमिस्ट्री जाना चाहता है, यहाँ बायोकेमिस्ट्री में जाना चाहता है तो उनके लिए ये कोड इस्तेमाल होगा। उसी तरह हर सब्जेक्ट का अपना एक कोड होता है। पहले जैसे हमने बताया कि पहले का कोड क्या हुआ करता था, PGQP40, ये कोड हुआ करता था BHU LLB के लिए। बट अभी ये कोड चेंज हो के ये वाली कोड जो आप देख पा रहे हैं, अभी ये वाली कोड 11 नंबर का, ये वाली कोड अभी इस्तेमाल होगा। सो दिस इज़ द चेंज। और दूसरा, अगर आप लोग सिलेबस की बात करें तो हम अगर सिलेबस में जाना चाहेंगे तो इसी बुलेटिन की पेज नंबर, आई थिंक कितना था, पेज नंबर 213 में जाते हैं। लेट्स गो इनटू 213 पेज नंबर, यहाँ दिस इज़ फॉर LLB BHU LLB, यहाँ लिखा हुआ है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, एंड उसका ये कोड है LAW LLB। तो इसमें कुछ बेसिक कुछ चेंज हुआ नहीं है। आप लोग पूछ रहे थे कि सिलेबस चेंज हुआ कि नहीं, होगी पैटर्न क्या रहेगा। सो दिस द पैटर्न, लाइक क्वेश्चन 100 क्वेश्चन रहेंगे इसमें, जिसमें MCQ टाइप होने हैं, लैंग्वेज है, कॉम्प्रिहेंशन है, जनरल नॉलेज है, कंप्यूटर बेस्ड एंड लॉजिकल रीजनिंग, ये सारे सिलेबस हैं। तो आप लोग बोल सकते हैं कि नो चेंज फॉर सिलेबस, आप लोग वही पढ़ना होगा। एंड ऑल्सो यहाँ स्टूडेंट पूछ रहे थे क्या क्या इसका क्वालिफिकेशन होगा, तो यहाँ क्वालिफिकेशन नीचे यहाँ लिख ही दिए हैं कि BA BSc BCOM, या फिर शास्त्र से जो लोग भी ग्रेजुएशन पास किए हैं 10+2+3, उनको 50% मिनिमम होना चाहिए अपने ग्रेजुएशन में नंबर। एंड और एक क्वेश्चन उनको होता था हमेशा कि जो लोग ओपन यूनिवर्सिटी से पढ़ के आ रहे हैं, तो यहाँ दिया गया है बुलेटिन में ही नीचे कि दे आर नॉट एलिजिबल,
ये किस तरह से लिखा हुआ अलग तरीके से कि ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन और ग्रेजुएशन थ्रू ओपन यूनिवर्सिटी सिस्टम डायरेक्टली विदाउट हैविंग एनी बेसिक क्वालिफिकेशन फॉर परसुइंग सच स्टडीज आर नॉट एलिजिबल फॉर एडमिशन इन लो कोर्स। तो ये लिखा हुआ है, मुझे तो लग रहा है कि ये ओपन यूनिवर्सिटी वालों जो स्टूडेंट रहते हैं उनके लिए शायद एलिजिबल नहीं है, बाकी सारे जो लोग कोर्सेस है बीए बीएससी बीकॉम और शास्त्र से आए हैं और मिनिमम जिनको 50% नंबर एक्वायर किए हैं वो लोग इस फॉर्म के लिए इस कोर्स के लिए एलिजिबल हैं। फिर भी आप लोग ओपन वाले जो लोग हैं अपने स्तर पर जाँच कीजिएगा और पता कीजिएगा कि क्या इसका है क्राइटेरिया। तो यही बेसिक कुछ चेंजेस जो आए थे इस बार उसको मैं बताना चाहता था। तो फर्स्टली वही था कि देयर हैव अ कोड चेंज, इस बार कोड क्या इस बार कोड रहा है, देयर इज अ बेसिक कोड जैसे कि COQP11 ये कोड है इस बार का। तो फॉर्म फिलअप करने टाइम ये ध्यान दीजिएगा क्योंकि पहले का कोड PGQP40 हुआ करता था एंड ऑल्सो मनी में भी थोड़ा चेंजेस हुआ है फॉर्म भरने के टाइम में एंड दिस अ सिलेबस जो चेंज ही नहीं हुआ है वही सिलेबस रहा है। तो बस तैयारी कीजिए। थैंक यू सो मच।